भैया रो राम राम। आप उन्हें देख रहे बुंदेली चुगली। हम हैं राजेंद्र त्रिवेदी, हमारे सहयोगी हैं पंकज सोनी। यह लाइव प्रस्तुति है भैया हरो चाचा की रसोई, जैसो कि सबको जान चुको है और जो को रह गो वो भी जान ले है चाचा की रसोई, पंजन चाचा की रसोई। भैया किशोर सागर तेगड्डा पे जहाँ खड़े हनुमान जी हैं और फिर आगे बूढ़े बब्बा हनुमान जी हैं, डॉक्टर चतुर्वेदी के बगल से है किशोर सागर तालाब के बिल्कुल ठीक ऊपर। और सबसे बड़ी विशेषता है कि एक रुपया में भरपेट भोजन, जैसो कि आप और उनका पता है हम रोज जब प्रस्तुति काय दिखवाओ तो के लाने दिखवाओ कि को प्रचार प्रसार में हम भी सहयोग कर सकें। जब इन्हें इतना अच्छो काम करो है, नीक काम करो, पुनीत काम करो है, तो भैया हम अभी दायित्व बनत बुंदेली चुगली को कि हमें दिखवाओ चाहिए एक एक चीज। अब देखो आपके जो असहाय हैं, वृद्ध हैं, बच्चा हैं, उनके लाने जो बहुत ही उत्तम जी हाँ, बहुत ही साजो काने घोनो नोनो काम करो, बहुत ही उम्दा काम करो पज्जन चाचा ने। चाहे भैया औरत हो, बूढ़े हों, बच्चा हों, औरतें हों, जवान हों, लगभग सभी प्रकार के आदमी थे आपका मिले। जय भैया कांग्रेस के पूर्व जिला अध्यक्ष मनोज त्रिवेदी जी हैं, इनके विचार जरूर जानवी के भाई साहब थे। आज जो सेवा भाव करत भाई कैसो महसूस हो रहो, और जो कल्पना कैसे भाई कैसे आप लोगों के दिमाग में आओ कि यार कछु हटके करने के जो छतरपुर को इतिहास बन चुको, तो ये सभी जने साधुवाद के पात्र हैं, विशेष साधुवाद के पात्र हैं। आपको जो कैसे विचार बनो सर जन को कैसे दिमाग में आओ कछु हटके करने। जैसे आप उन्होंने हम मालूम है कि चाचा ने बताओ तू अपनी बात में रखो है कि उन्हें दद्दा जी की प्रेरणा से, महाराज जी की प्रेरणा से, ईश्वर के उसे जो संकल्प लो कि नर सेवा नारायण सेवा कर भी खिलाने भाव। तो हम उन्हें जितने पार्टी के लोग हैं भी उन्हें सब जने अपनी सेवाएं थे पे दे रहे। अबे हमने भी लैंड में लग के एक रुपया को टोकन लो, हमने भी भोजन थे पे चखे हैं, माता अन्नपूर्णा को प्रसाद है। और भगवान से हमारी जाई प्रार्थना है कि जो अनवरत चलत रहा है और जो हमारी जनता है उनके स्वाभिमान की रक्षा के लाने रखो गो एक रुपया को टोकन के भी, जो ना कह सकें कि हम बीच में खा रहे या उसे खा रहे, थोड़ा स्वाभिमान के लाने एक थोड़ा बहुत रखू है टोकन रखू गो है, बहुत अच्छो है। वो हमें तो महाकाल से और माता अन्नपूर्णा से जा हमारी प्रार्थना है कि जो अनवरत चलत रहा है। अच्छा जैसे जो एक रुपया करोगे है ठीक है, तो जो तो ठीक है जो ई के लाने रखोगे वो आपने बताओ, सब जने बता रहे कि चलो स्वाभिमान के साथ के चलो भाई, कछु ना कछु उन्हें भी लगे कि हम कछु देखें प्रसाद पा रहे का आगे चल के इखा और बृहद योजना देवे की तैयारी है कछु। देखो जो तो ऊपर वाले के ईश्वर के ऊपर है, अबे जो है जो भी अबे कम नहीं है, जो तो पूरे मध्य प्रदेश के इतिहास में वाह है। जैसे रोटी बनाओ की जो मशीन आती है घंटा में 1000 बॉक करत है, उनमें कमी पड़ रही थी, तो एक मशीन और लग जाए है आज काल में जी में तेपे कोनो चीज की कमी ना हो और अनवरत जो मानपूर्णा को भंडारा चलत रहा है। लगभग कितने आदमी रोज इतने पे प्रसाद? प्रतिदिन आदमी बढ़ते ही जा रहे हैं, जैसे कि पहला दिन हतो आदमी में 400-500 हते, फिर 800-900 हते, कल 1100-1200 आदमी हते, आज हमें जो लग रहा है तादाद कम से कम 1000-1500 के ऊपर ही पहुँचवे वाली है। जहाँ वही की तैयारी में जैसे इतने पे आप देख रहे थे मशीनें लगी हैं, रोटी की मशीन है, बस 1000 रोटी फेंक दू की क्षमता है। तो हमने चाचा ने फिर जो करो एक नई मशीन इतने पे कल से इंस्टॉल हो जाए, कल से वे बनन लगे तो 1 घंटा में फिर 2000 रोटियाँ बने। जो है भैया कांग्रेस के पूर्व जिला अध्यक्ष मनोज त्रिवेदी जी, जैसो कि वे बता रहे कि अब मशीन की व्यवस्था और करी जा रही है, आगे चल के एक मशीन अब कल और आने हैं बाभी लगे कि जो 1000 रोटी 1 घंटा में निकालत, फिर 2000 रोटी 1 घंटा में निकाले। तो जो है भैया सेवा भाव और जो एक मिसाल कायम करी है छतरपुर के, देखो विपक्ष ऐसो भाव चाहिए जो विपक्ष को तमाचा कहो चाहिए सत्ता पक्ष के लाने, कि भैया जो सत्ता में है मलाई खा रहे वे नहीं कर पा रहे, लेकिन जो विपक्ष में बैठे विपक्ष वालन की हिम्मत देखो भैया को ने करके दिखा दो। अब भैया हमारे संग कांग्रेस के जिला अध्यक्ष हैं लखन पटेल जी हैं, इनके विचार जरूर जान भी के भैया जो सेवा भाव करत भाई कैसो महसूस हो रहा हो। और दूसरी चीज का जो विपक्ष के लाने एक चैलेंजर का एक चाटा ही कहो जाए कि विपक्ष के लाने एक चाटा मारो का कि देखो तुम नहीं कर सकत लेकिन हम कर सकत। आपको स्वागत है बुंदेली चुगली चैनल में। जो सेवा भाव करे तो भाई सबसे पहले मन में कैसो लगा थे, का उत्साह? देखिए मन का उत्साह तो आप लोग भी जान सकते हो। पहले तो आप चैनल वालों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि आप लोग ये
जो गरीब जनता इस महंगाई के दौर में हमारे आदरणीय विधायक जी आलोक चतुर्वेदी जी इस महंगाई के दौर में भूखों को भोजन खिला रहे हैं, उनका उद्देश्य है कि कोई भी गरीब व्यक्ति भूखा ना सो सके छतरपुर में, तो वे अपने आगंतुकों के लिए अपने मेहमानों के लिए कि हमारी अगर नगरी में छतरपुर में कोई आया है तो यहाँ पर कोई भूखा ना सोए, एक टाइम का भोजन यहाँ पर चाचा की रसोई में उपलब्ध है और ये कोई उसका राजनीतिक वो नहीं है, फिर तो वो अपने अपने कर्मों से है। जिसका दिल बड़ा होता है खर्च तो कई लोग कर सकते हैं, लेकिन जिसका दिल चाहिए, हमारे आदरणीय विधायक जी का दिल बड़ा है तो वो ये गरीबों को भोजन व्यवस्था चालू की है चाचा की रसोई के नाम से। और ये विपक्ष का हम तो कहते हैं कि विपक्ष वाले भी करें, हम लोग भी सहयोग करने के लिए तैयार हैं, जिसमें भी कई लोग पैसे वाले हैं लेकिन दिल बड़ा होना चाहिए। हमारे आदरणीय विधायक जी का दिल बड़ा है, हम तो कहते हैं धर्म कर्म और भक्ति को लीजिए मित्र बटोर, वो खाली हाथों बे गए जिनके लाख करो। तो हमको बड़ा अच्छा लग रहा है, हम लोग तनो मन से इस चाचा की रसोई में सभी कार्यकर्ताओं सभी पूरे छतरपुर के वासी सभी लोग सहयोग कर रहे हैं, सेवा भाव से काम कर रहे हैं। सेवा मतलब जो है कि जन्मदिन को अगर तोहफा हो को उखा देने हैं तो भाई अपने जन्मदिन में जैसे विधायक जी ने जो जनता का तोहफा दा हुआ है ऐसे भाव चाहिए, लगभग एक मिसाल बनो चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, ये हमारे माननीय विधायक जी ने भी कहा है कि जो भी यहाँ पर जन्मदिन के रूप में या कुछ भी मनाना चाहते हैं सेवाग्राम में तो वो चाचा की रसोई में आकर के मना सकते हैं, ये छूट है। भैया बहुत बहुत खुशी की बात है, जब बहुत ही बड़ी शुभकामनाएं सभी जनन के लाने कि देखो हर प्रकार से जो एक दायित्व सौंप दोगे कि अगर जन्मदिन मनाने बर्थडे पार्टी मंगाने कछु मनाने हैं कौन उत्सव करने कछु करने तो स्वागत है भैया चाचा की रसोई में आओ। और सब जने विधवा कहते हैं अपनों जैसो भी जो प्रोग्राम भी है हर्षोल्लास के साथ प्रसन्नता के साथ मनाओ। जो भी एक जनता के लाने दरवाजे खुले हैं सदर विधायक आलोक चतुर्वेदी पज्जन चाचा भैया अपनों शुभ नाम का। हमारा नाम है अखिलेश गोस्वामी। तो गोस्वामी जी इतने पे आके जो सेवा भाव करते भाई कैसो महसूस हो, तो दूसरी चीज ही के लाने आगे को पिलान का है कि सेवा भाव में कितने और आदमी जुड़वे के चांस है वे और बृहद रूप ही खंडा हो गए हैं। तो पहले नंबर तो गर्मियों में चाचा ने पानी पिवाया सबको, फिर उसके बाद कोरोना काल में राशन बटवाया चाचा ने, अब भूखों को खाना खवा रहे। तो चाचा विधायक पहली बार मैंने देखा है ऐसा विधायक जो जनता के लिए हमेशा तैयार रहता है, कभी भूखा नहीं जाता है वहाँ उनके खेल ग्राउंड में, कोई भी चला जाए गरीब आदमी वहाँ से खाली नहीं जाता है, हमेशा उनकी समस्या हल होती है। चाचा ने जो काम किए आज तक हमने विधायक को कभी नहीं देखा, पानी हमेशा पिवाया, सोते हुए जगाया हमने, स्वयं हम वार्ड नंबर एक के प्रभारी हैं कांग्रेस से, हमने चाचा ने बहुत और जो कोरोना काल में भी उनने राशन पानी इतना बांटा है, तो हमने आता हर मंदिर में कोई साधु भूखा ना सोए हमने स्वयं दिया, अब यहाँ खाना का भी हो रहा है तो कोई भूखा ना जाए, सभी से निवेदन है यहाँ आए एक रुपये में खाना खाएं, कोई भी हो लेन पे लेके टोकन खाना। भैया आपको हमारा नाम अशोक बिदुआ है, हम भैया से करीब 10 साल से जुड़े हुए हैं, भैया का कार्य जो है चाचा जी का बहुत ही सराहनीय है और उनका दिल जो है बड़ा है और वो चाहते हैं कि हमेशा जो है जनता के दुख दर्द किस तरह दूर हो, किस तरह जनता को कौन आवश्यकता है समय समय अनुसार वो स्वयं निर्णय लेते हैं और स्वयं उसमें पहल करते हैं। सेवा ग्राम बहुत अच्छी पहल है, उसमें शहर के जो गरीब लोग हैं उनको सीधा लाभ पहुंच रहा है और गरीबों के लिए जो कार्य करता है वो आगे बढ़ता है और वो सफल होता है। तो ये कार्यक्रम जो है शुरू हो चुका है और एक निरंतर चलता रहेगा। सेवा ग्राम में हम जैसे कार्यकर्ता लोग जो है काम करने के लिए उनको पूरी तरह से समर्पित हैं और हमेशा ऐसे कार्यों में आगे आ करके जो है जुड़े रहेंगे और काम करते रहेंगे। तो भैया जे है सेवा भाव जितनी जी के अंदर है, देखो माता अन्नपूर्णा विराजमान है और माता ऐसे ही अन्नपूर्णा माता ऐसे विराजी रहें कि जी में हजारों आदमी उनको भूखे प्यासन को पेट भरत है। तो चाचा खां तो साधु बात भैया सभी जने दे रहे, हम भी दे रहे हैं, सभी जने दे रहे हो, माता अन्नपूर्णा को विशेष सहयोग बनो रहा है कि जर रसोई ऐसे ही चलत रहा है, चाचा की रसोई ऐसे ही चलत रहा है। देखो सभी प्रकार के आदमी थे। अब जे भाई साहब बुंदेली चुगली में स्वागत है आपको, दर्शन हो गए हैं, कछु दो ठैया शब्द आप ही बोलो, दो ठैया शब्द रसोई के बारे में चाचा के बारे में। अरे भैया चाचा की रसोई, यही चाचा की रसोई, एक रुपए में खाना मिलता है सबको जो है। भैया
कि देखो इत उमंग उत्साह देखो जा सकत आदमी को कि देखो एक रुपया में इतना बेहतरीन बढ़िया लजीज खाना मिलत है। देखो हम आपका थाली भी दिखवाएं, थाली के मेनू भी दिखवाएं कि दिखवा भैया मैं, देखो एक रुपया की थाली है जा। अब सोचो वो एक रुपया मात्र इके लाने रखो गए है कि स्वाभिमान के लाने एक इके लाने के भैया जो को आ रहा उन्हें जो महसूस ना हो कि यार हम फ्री में खा रहे। अच्छा और दूसरी सबसे बड़ी जो चीज़ है कि एक रुपया में आज के ज़माने में जहाँ कछुआ मिले ही नहीं रहो और चाचा की रसोई में भर पेट भोजन वो भी स्वादिष्ट। क्या भैया भोजन हो गए? अब भोजन हो रहा है भैया। अच्छा कैसा लग रहा भोजन? कैसे भोजन बढ़ जाए चाचा के लाने कछु के वो चाह का नहीं चाह चाचा सब कछु के हैं बढ़िया बहुत अच्छा करो चाचा। तो भैया देखो जो है सभी जने साधु बात दे रहे हैं विधायक जी का और विधायक जी का साधु बात दो भी चाहिए। काम अच्छो करो है नोनो काम करो क्या भैया और भोजन हो गए? हो रहे चाचा के लाने कछु के वो चाहो पर चाचा ने कैसो करो जो बढ़िया करो बहुत बढ़िया करो चाचा ने बहुत बढ़िया काम करो है ना। तो भैया देखो सभी जनों को लगभग एक ही कहो है कि चाचा ने बहुत ही बढ़िया काम करो बहुत ही उम्दा काम करो। क्या भैया ये तैयार के खाना में तुम्हें कछु महसूस करो खाना कैसो है? नहीं खाना बढ़िया है बहुत अच्छा सब जानकारी एक रुपये में खाना और काफी दूर आए विधायक जी के लाने कछु धन्यवाद कहना चाहते हैं बढ़िया सब जानकारी। भैया सभी जने विधायक जी का धन्यवाद दे रहे साधु बात दे रहे और जो दव भी चाहिए काम उन्हें ऐसा करो है उमदा काम करो हो एक बहुत बड़ो तमाचा मारो विधायकन के लाने जनप्रतिनिधि के लाने नेतन के लाने कि कम से कम देखो अगर जन्मदिन को तोहफा देने हैं तो जन्मदिन को तोहफा जो कहा तो उनके इष्ट मित्र ने सभी जन ने बैठ कर जो सलाह करी मीटिंग भाई के भैया कैसे जन्मदिन मनाओ जाए तो जन्मदिन अगर मनाने हैं तो जन्मदिन मनावे को सबसे अच्छा तरीका अगर कोई सीख दे रहो तो वो दे रहो विधायक आलोक चतुर्वेदी पज्जन चाचा कि देखो जन्मदिन मनाने हैं तो ऐसा सार्थक जन्मदिन जो कहा कि जहाँ आदमी उनको भरपेट भोजन मिल रहा हो एक रुपया में स्वादिष्ट भोजन मिल रहा हो बड़ी अच्छी व्यवस्था है बेडवे की एसी है कूलर है पंखा है 43 मार्बल की किचन बनी है सब बढ़िया व्यवस्था है। क्या भैया टोकन ले भी आए खाना खावे? हाँ। अब टोकन में टेम लगे हुए हाँ। रोज आओ तो पहली देर आए हम कल आए थे नहीं परसों आए थे और फिर आ जाए एक कुंटल न ले आए हाँ। उते जो बताए एक रुपया उते दुकान में चलत के नहीं चलत हाँ। नहीं चलत ना तो जो काका कैसे चलाए जो पता है हाँ। भैया देखो जब आज जरूर हम बार बार उखार भी के एक रुपया छतरपुर में दुकानदार नहीं ले रहे और चाचा ने का सोच के रखो को एक रुपया तो का कहने जो भैया कलदारन को का हुई जो मुद्दा बन है अभी बुंदेली चुगली जो मुद्दा जरूर उठा है कि चाचा दुकान वालन का कोनू समझाइश दे है या शासन प्रशासन भी की पहल करी दी कि एक रुपया चले जैसे वो लड़का लेके आओ। कहा भैया ते भी एक रुपया ले आओ दिखाई टन्ना कहा है दूरों अब जो बता दुकान में तो चलत नहीं है और इतने कक्का लो चलत है तो बढ़िया तो आयो खाओ तो भैया एक सुविधा जा भी अच्छी है कि जिलो जितने पुराने टन्ना धारे हुए तो भैया फेंकना नहीं आप बर्बाद नहीं करना बढ़िया टन्ना जेब में डालने तत्काल आ जाने चाचा की रसोई ठीक है आराम से बढ़िया भोजन लेने दो आदमी। अरे पैसे नहीं अगर चलते थे तो भी आदमी रख के रहता था उपयोग में आ गए विधायक जी का धन्यवाद दो चाहिए धन्यवाद। तो भैया जब बात हकीकत है भीड़ ज्यादा है थोड़ा सी तो इसमें कम आदमी को दिक्कत पड़ जाती होगी तीन तीन लाइन है। देखो व्यवस्था खुद ही बनावो भी सीखो हर काम सबके ऊपर नहीं सौंप देने आओ कब चाचा इतने डंडा लेके ठाणो हो जाए समझ रहे बात का। अब जब व्यवस्था अपन सब जने बना सका भैया क्या गलत है बताओ सही बात हमें है। तुम्हें व्यवस्था बनाओ चाहिए हम बनाए चाहिए तो। अब जैसे तुम हो तो मोटो बन जाओ तो मैं मुखिया कौन तुम्हें लाइसेंस जाने लो हम केंद्र लगाओ लेन बढ़िया सुठारी अच्छी सी इन्होंने लेन लगाओ बढ़िया तुम भी सबका गाइडेंस जो ऐसा करनी है सो करने का कछु सेवा भी करो कि यहाँ एक को टन्ना दो डेढ़ सौ के भोजन दो चलती भी नहीं जो भी नहीं करने ठीक है टन्ना ले आए एक रुपया टन है तो जमा होने पर भोजन होने पे आखिर कैसे लग रहा अच्छा लग रहा चाचा का कछु के वो चाहत हाँ, धन्यवाद धन्यवाद। तो देखो भैया नए नए लड़का भी समझदार है वे भी धन्यवाद दे रहे साधु बात दे रहे विधायक जी का तो जो बहुत अच्छो करो है। बस एक सवाल जरूर है कि जैसे जनता खड़ी हो तो अगर पानी बरसो तो दिक्कत है तो ये एक मांग जरूर है भैया जनता की कि एक इतने टीन ओवर लग जाए जिसमें जो धूप आउ थे
बारिश हो या धूप आए कछु तो उसे उनकी बचत हुई है, बस इतनी जरूर है। बाकी भैया सब जने सब अच्छो बता रहे। देखो अंदर जाके भी हम हाल चाल देख रहे अंदर का है कैसो मचो का है कहा है भैया। अच्छा जो बताओ लो तुम उन्हें बताओ कुछ तुम उन्हें इतने पहली देर आए। अच्छा इतने आके आज कैसे महसूस हो रहा हो कैसे लग रहा हो भाई। अच्छा महसूस तो ठीक है बट मतलब लाइन लंबी है जल्दी काम। लाइन लंबी है भूख ज्यादा लगी। नहीं भूख ज्यादा नहीं है देख भी आए थे मतलब क्या जैसे लाइन लंबी है तो तना पहले से आ गए। हाँ पहले से और भी काम रहता है वही बात है जैसे लंबी है तो तना सुटारू आ गए सोकारू आए सोते यहाँ लग गए सबसे। अच्छा एक आध काउंटर और हो भैया। देखो मांग तो जनता की बढ़े जायज मांग है कि एक आध काउंटर और हो कि जी में कूपन जल्दी जल्दी बट सके कूपन जल्दी जल्दी मिले भैया जनता को जो निदान है समीक्षण को निदान भी हुए। अब भैया सुरेश बाबू जी मिल जाए तना तो कहूँ बुलवाद हो जाए तो उनके और तना हम विचार जानिए। अब देखो भैया व्यवस्था देखो बहुत अच्छी व्यवस्था है चाचा ने जो करो है यार तो बाकी चैलेंज वालों काम करो है। देखो ये मशीनें हैं भैया साफ काम साफ सफाई देखो शुद्धता देखो साफ सफाई देखो ये मशीनन से हर काम होते आटा इमें गुनत है। जब आटा वाली मशीन है इमें देखो लोई कटत है अपने आप इमें देखो एक आदमी बैठे भैया लोई डाल जाने रोटी बन के सेकत जाने जे रोटी आउ जा रही। देखो रोटी भी देखो कितनी उमदा सेकत है बढ़िया रोटी सेकत है जो नहीं है कि कहूँ कच्ची रहा है कहूँ ना पकी हो जर जाए बढ़िया रोटी उमदा रोटी हो 1000 रोटी एक घंटा में सेकत है। इसके बाद भी की व्यवस्था बढ़ाई जाने जैसे भीड़ बढ़े वैसे व्यवस्था बढ़े है। तो भैया देखो जैसे भीड़ बढ़त जो है वैसे ही मशीनन की व्यवस्था भी हो जाए है। देखो कार्यकर्ता सब जने लगे हैं दाल चावल सब्जी रोटी सब कछु व्यवस्था बड़े सुचारू रूप से चल रही है। भैया जय श्री राम। आज कितने जने आ गए कितने जने के भोजन हो गए अभी तक? कम से कम 200 लोगों के भोजन हो चुके हैं 200 से 250 प्लस है अभी। कल 700 लोगों ने भोजन लिए हैं। बहुत बढ़िया। देखो भैया जो है डेली आदमी इनकी संख्या बढ़ रही डेली और भाई इसे बढ़ रही कि 1 रुपया और वो भी ऐसा स्वादिष्ट भोजन बुंदेली चुगली सबई जनन का भैया साधु भाग देते ऐसे नेक पुनित काम के लाने आज इतने सेवा भाव करे तो भाई कैसे महसूस हो रहा हूँ जो तो पाएंगे इतने हाथ के है। अब चाचा तो धन बल सब कछु खर्च कर रहे पूरी ताकत लगा रहे हम उन्हें तन मन लगा रहे चूंकि उनके कार्यकर्ता हैं उनने इतनो बड़ो युद्ध स्तर को जो दूरदर्शी कार्यक्रम सोचो तो चूंकि हम उनके अनुशासित कार्यकर्ता हैं तो हमारा काम है उस कार्यक्रम को सहयोग करना। तन मन से तो कर ही सकत धन नहीं कर सकत तो ठीक है। तो चाचा ने जो कार्यक्रम करो है तो गरीब कमजोर बेसहारा लोग महंगाई के दौर में जो परेशान है उनके लाने बहुत बड़ा कार्यक्रम जो होगा वो कम से कम भूखे ना सोए को है। भैया देखो तो वास्तव में जो काम बहुत ही अच्छो काम भाव है कि 1 रुपया में और जन्मदिन मनाओ तो ऐसे ही मनाओ। हम तो भैया यही मानवो है कि एक विधायक ने एक ऐसी मिसाल पेश कर दी पूरे मध्य प्रदेश में छतरपुर विधायक आलोक चतुर्वेदी पज्जन चाचा ने ऐसी मिसाल पेश कर दी कि अगर जन्मदिन मनाने हैं तो जन्मदिन ऐसो मनाओ कि जिसमें जनता को भलो हो जनता को कल्याण हो। एक मिसाल हो गई मध्य प्रदेश के लाने और पूरे मध्य प्रदेश में कांग्रेस के विधायक भैया जो भी सुनो प्रतिपक्ष जी का बोलो जाए लेकिन मिसाल कितनी अच्छी कायम करी कि देखो सत्ता पक्ष देखते ही रहो विपक्ष ने करके दिखा दो कि अगर हौसला है मन में कछु करने हैं सेवा भाव तो सेवा भाव जा कहो आप थाली में ड्यूटी है थाली लगा के रखवाते हैं। अच्छा जो भी है ड्यूटी जो भी हो जो तो सेवा भाव है। बिल्कुल सेवा भाव से आके एक अलग आनंद की अनुभूति होती है जी। आनंद का विधायक जी ने बहुत सबको मौका दिया है कि आप इसका कंस्ट्रक्शन यूनिट कराया है कितने माह में कराया है हैं तो विधायक जी ने मौका दिया है सबको कि सब जने सहयोग करें और इसमें भागीदारी बने। अच्छा ये कि आप सर्वे सर्वा हो निर्माण की तो ये के बारे में और बताओगे जो कैसे आओ को हमें 100 बनाने जो इतने 600 करने जो इतने फिर बहुत चाहिए जो इतने बहुत चाहिए में भी बहुत दिमाग लगा जो सब गुरु जी की कृपा है उन्हें आशीर्वाद दो कि आप करो उनके द्वारा हमें मिलो कि आप इनमें सहयोग करो तो हम लोग लगे हैं जितनी सेवा हो सके इनमें सहयोग करने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा इको आगे जैसे अब 1 रुपया वालों सवाल है जो बहुत बड़ो सवाल उठ रहा हो छतरपुर में 1 रुपया दुकान वाले ले नहीं रहे जी। अब चाचा ने कहा जो सोच के करो दुकानदार खा भी यही बहाने हम सही कर दे भी किसास के ले हो कैसे ना ये भावना नहीं है ये भावना इसे है कि आप गरीब लोगों को खाना मिले जो भूखे हैं शहर में उन लोगों को खाना मिलना चाहिए
उन इसलिए भावना से किया है, किसी के दोष भावना से इसमें कोई उपयोग नहीं। लेकिन ये कलदार को का हुई है जो तो बताऊ तो ना, जो बड़ा सामान जो, है चाचा लोग तो रोज के हजारन कलदार, कलदार की बात नहीं है। कलदार तो इसलिए हम ले रहे हैं 1 रुपए कि आपको जे ना लगे हम फ्री में खा रहे हैं, वरना है तो फ्री टाइप का खाना। वो 1 रुपए इसलिए भावना है कि आपको जे नहीं लगे हम फ्री खाना खा रहे हैं। आपकी नजर में कैसो लग रहा हो कि ऐसा जन्मदिन मनाऊ चाहिए जैसो कि छतरपुर विधायक ने मनाऊ का, ऐसा ही अगर सब जनप्रतिनिधि सोचने लगे तो देश को भविष्य बदल सकत, प्रदेश की भविष्य एक आगे उम्मीद जग सकत के बारे हमारे नेता और जनता भी साधुवाद दे है का, ऐसा नहीं लग रहा कि हर नेता का ऐसे ही कदम को छोड़। अच्छी बात है, हर लोग करें तो थोड़ा थोड़ा सबका सहयोग रहे तो जो जनता बचा भूखी रहती है या लोगों को दिक्कत जाती है उसमें सहयोग मिलेगा। तो जो है भैया देखो, हर विधायक का कम से कम जो करो चाहिए जन्मदिन पे, इसे अच्छो कछु हो नहीं सकत। जन्मदिन जैसो कोई मनाओ जाते भैया देखो उन्हें मनाओ तो ऐसो मनाओ कर लो भैया जी के जनता को कल्याण हो, जनता की सेवा में जाए रुपया, फालतू न जाए रुपया, बर्बाद ना हो। तो बुंदेली चुगली की भैया जब लाइव प्रस्तुति अब हमें तभी पे समाप्त कर रहे, फिर कौन खबर लेके आप लोगों के बीच में हाजिर हो भी, पल पल को अपडेट हम चाचा की रसोई को आप लोगों तक पहुँचाऊत रहे भी। तब तक के लाने राजेंद्र त्रिवेदी खा बुंदेली चुगली चैनल से, राजेंद्र त्रिवेदी पंकज सोनी खा जो बेदा भैया हरो सबई जनन खा, राम राम।